डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट का, ठीक है। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की शुरुआत ही डीएनए से होती है, ठीक। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। डीएनए जो है पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। तो हम न्यूक्लियोटाइड्स को अगर समझ लेंगे तो डीएनए हमारे समझना आसान हो जाएगा। हम स्ट्रक्चर से समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक होता है शुगर, फिर एक नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इसको अगर हम स्ट्रक्चर से समझें वाला एच है ये रिप्लेस होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस से, और जो ये वाला एच है ये बॉन्ड बनाता है हमारे फॉस्फेट ग्रुप से। ये जो है स्ट्रक्चर है ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड का। यही न्यूक्लियोटाइड जो ये फॉस्फेट ग्रुप है यही जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, और ये एक चेन फॉर्म करता है। यही चेन यही चेन को हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजनस बेस होता है ये होता है दो तरीके का, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ये हो गए हमारे दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस। ये भी फिर सब पार्ट में डिवाइड हुए हैं। प्यूरीन में आता है एडिनाइन और ग्यूनाइन, और पायरिमिडीन में आता है थायमिन और साइटोसिन। ये दोनों अपोजिट बॉन्ड बनाते हैं डीएनए में। एडिनाइन जो है थायमाइन से बॉन्ड बनाएगा और ग्यूनाइन जो है साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं डीएनए का, तो हमें एडिनाइन ग्यूनाइन थायमाइन साइटोसिन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो हम बॉन्ड समझ लेते हैं नाइट्रोजनस बेस कैसे बॉन्ड बनाता है। तो अगर इस तरफ फाइव वाली स्ट्रैंड में अगर ए है इस तरफ, तो सामने वाली साइड में होगा टी। ये दोनों जो है हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड बनाते हैं, और अगर इस तरफ जो है ग्वेनाइन है तो यहां आ जाएगा साइटोसिन। ग्वेनाइन और साइटोसिन हाइड्रोजन के ये होता है सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे जो है बाकी स्ट्रक्चर बनते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिया है। ये हो गया हमारा डीएनए का